हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। बिलुआ सर तला है, सर तला हारना नहीं है। गिरा गिरा अपन बिलुआ गिरा। अरे फतवा तहू आ जा। नवाजोर, अरे ये हरिया है ना, सबला करिया कर देते। कैसे रे भूतवा, जीत गए हो ना? अब तो खा सका था। हरिया, शाबाश हरिया। अरे हमर हरिया मा तो हाथी असन ताकत है, दू झन का 10 जन मिलके खलोक नहीं हरा सके। खा हरिया खा, अरे आराम से खा। अरे कुकरी कहीं उड़ा थोड़ी जाही। अरे चेतू के कुकरी मा हाड़ा हाड़ा में स्वाद है। एक तो हाड़ा गोड़ा नहीं बाची। जोहार नेताजी। खुश रहो विक्रम। पंचायत चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? अरे आप टेंशन मत लो। सुनो विक्रम, एक वोट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक को वोट कहीं नहीं जाए। हर हाल में जीत तुम्हारी होनी चाहिए। जीत मोरे छुई। इसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। ठीक है नेताजी। हरिया, पंचायत बुला, लिस्ट बना, सभा के तैयारी कर। जीत हमर होई। जी जाऊगी। रितेश। हाँ दीदी। रितेश। हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। अरे स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी आ, छोड़ दूँगी। हाँ दीदी आता हूँ। का दीदी, ते पूरा गांव ला परेशान करे बड़ा हंसता। कौन जनी शहर वाले मन कैसे झलत हुई तोला? अरे मेरे बिना तो पूरा रायपुर सुना हो गया होगा। चल जल्दी बैठ। आराम से चलावे, मुझे डर लगते। अरे तू बैठ बस। पापा का हो गए, काबर चिल्लावत हस? पापा दीदी ले समझाना, गाड़ी ला बिकट फास्ट चलाते, एक आग ठोक दी ना तो लेना देना पड़ जी। अरे
ठोक दही तो ठोक दही। आखिर बेटी दाऊ के है, कैसे बेटा? I love you पापा। तहू ना पापा, चल भाई ठोक दे, चल। हे भगवान, जिंदे स्कूल पहुंचा दे, तोर पाव परत हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है बहुत बहुत पुराना सनम। एनोनी टुकुर टुकुर का देखा था, निकल ले पतली गली। ए, चल साइकिल चला। अपन ड्राइवर समझ के रखे, जा अपन दीदी सन बुलेट में घूमत रिबे। अरे दीदी सन जाना रहती तक कब के चले जाते हैं। लेकिन मोला तो तोर संग जाना है मोर रिंकी। अरे पगली, साइकिल चलाए से ना लड़की मन की स्मार्टनेस बढ़ जाते, तभी ते आजकल एकदम खूबसूरत दिखत हस। जब से तोर दीदी आए ते मोला भूल गए हस। मैं तोला भुला सकता पगली? ते तो मोर जानस, चलते पाछू भाई। अरे जो दाऊ पुरल हार न मारा थे, देख तो रही की कोने। मैं नहीं बोल सकूं, ते बोल। दीदी इधर कहाँ जा रहा है? स्कूल जा था दीदी। तेरे स्कूल तो पीछे है ना? पीछे? ते मोला बता नहीं हमारे स्कूल पीछे? सॉरी दीदी। ये कौन है? ये मोर सहेली दीदी, ये ला मैं लिफ्ट दे हूँ। ओए, तू इसको लिफ्ट दिया है कि ये तुझे लिफ्ट दी है? की मतलब है ना दीदी? चल स्कूल जा। हाँ। चल जल्दी बैठ। जम्मो गांव वाला मल्ला एकर सती बलाए गए है कि अवैया चुनाव में हमार दाऊ जिला ही जिताना है। दाऊ जी है जमे की ही उही में वोट डालना है, बाकी आप सब ढंग के मर्जी। ए समारू, दारू पी के आया है इसका? सुनो रे, हमार दाऊ जी हा सीढ़ी छाप मा खड़े होए है और सबो झल्ला ईच पार्टी मा वोट देना है, कोनो और जगह वोट नहीं देना है। अरे अरे, ये पवन नहीं दिखत है? जा तो रे, जा पवन ला बुला के ले क्या। जी दाऊ जी। ए पवन, मारे पवन। ए पवन। एक टाइम बिल्कुल डिस्टर्बिंग नहीं था हमें, क्या बात चिल्ला था? अरे तोला नहीं, पवन ला बुला। पवन भाई, सब जन सुनो, आप सब जन के खाता में पैसा डला ही विक्रम दाऊ जिंदाबाद, और सबके लड़का मन बर स्कूल बनाए जाही विक्रम दाऊ जिंदाबाद, और किसान भाई मन बर समर्थन मूल्य घलोक बढ़ा दे जाही विक्रम दाऊ जिंदाबाद। राम राम दाऊ जी। आ भाई पवन, आ
अरे तोर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के समर्थन मिलना गांव के नेता मन पर जरूरी है। दाऊजे हाथी के दांत और नेता मन के बात देखे और सुने अच्छा लगते, लेकिन किसान के सम्मान में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। ए पवन चुपरा और दाऊजी के बात सुन, कलेक्टर झन बन। अरे तोर काहे रे हरिया, तोर बार तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ए पवन गांव के एक को वोट भी ऐसी होती नहीं जाना चाहिए, जाने? सुन पवन, गांव के एक को वोट ऐसी होती नहीं जाना चाहिए, बाकी समस्या पर हमन बैठे हन। ठीक है दाऊजी। दाऊजी आप मन पहले भी कह रहे हो कि खाता में सबके पैसा आई, फिर आज तक काकरो खाता में पैसा च नहीं आए। एक गाड़ी जब खाता में पैसा आई तभी हम और देबो। अरे पहली समर्थन तो कर, ताने पैसा अपने आप आ जाई। पहली ले पैसा झोके बरा गए हस। आई तो तोला काबर मिर्ची लगा थे, तय तो बोल में कर बे। तय ऑटो डौका हा दाव कर खुसर के भीतर भीतर गदक का खावा तो। ए जवान संभाल के बात कर, यहां मुर्गा तो मुर्गा ओकर हाड़ा गोड़ा घलोक नहीं जाना। हाड़ा गोड़ा नहीं जाना नी देखे करे नी देखे, कुकरी ला खा के पुतगल हमर घर जान के रह सारी लउ खानो खान। हां और मैं तोर बोल पट्टी ला खोलू का? हां जगह जा दे तेला बताओ का मैं सब झन ला जात रहस का? कहां जात रहे हो रे? ए चुप हरिया। जी दाऊजी। चुनाव के तैयारी करो। जी बधाई हो, आपके पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत गए हैं। फिर गांव के समस्या के भी ख्याल रखूं दाऊ जी, का है अमर किसान मल्ला अब्बड़ परेशानी होते दाऊ जी, और शासन और प्रशासन तो आपके बात ला जरूर सुनी। गांव बसे नहीं है कि भिखारी मन पहली आ गए। अरे सारा मजा किरकिरा कर देस रे। तोला का है हरिया, दाऊ के खथस और दाऊ के अचौथस। ए पवन तोर जवान बहुत लंबा हो गए, कोनो दिन भोतवा केची ले काट दूं। कोनो दिन का हरिया, अभी मिल ले और जबान संभाल के बात करबे, नहीं तो यही जमीन में गाड़ दूं तोला। ए पवन हरिया घर आ जाबे, बैठ के बात कर लेबो। ठीक है दाऊजी। बधाई हो दाऊजी, मोर ओर से जीते हैं। मोर का होई दाऊजी? तहु आ जाबे, चलो रे। विक्रम दाओ दादा ही करे नंदा जाही करे नंदा नंदा जाही का कमरा और खुमरी आ रही तो तारी आरा रार ता 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 छो ए कामर गेस अरे खाना परोस न रे आगे दाऊ यहाँ ले मटन मुर्गा दारू पी के। तोला घर परिवार के संसो फिकर है कि नहीं है? घर में फूटी कौड़ी नहीं है और ते खाता घलोक नहीं खोलवाए हस। अरे जब नकदी में काम चल रहा था तो खाता काबर खोलवाबो? अरे बेटी जवान हो गए, ओकर बर बिहाव करना है, ओकर भविष्य के बारे में तो सोच। ए, तो जवान बहुत चल रहे चले खाना परोस। बाबू माँ हाँ सही कहा थे, ऐसे पिए खाए में जिंदगी नहीं चले। मोला पढ़ना ही आगू बढ़ना ही, स्कूल के फीस घलोक नहीं पटे, मोला अब्बड़ अकन कॉपी किताब घलोक लेना है। काली जावे स्कूल आओ प्रिंसिपल से कहबे कि तेरिया के बेटी आज वो तोर से फीस नहीं मांगी,
मोर बहुत इज्जत है। मोला तो नाम लेके अपन स्कूल में बेइज्जती नहीं कराना है। चल बेटी, ये तो इसने छे। चल। ए, जल्दी ये मेला खोदो, आओ ये दोनों खेत ला एक कर दाओ। ए, तार खूटी ला उखाड़ के ओती गड़िया दे। ले जल्दी कर। ए समारू देखते है मन काम करा थे कि नहीं। अरे दाऊ के 300 एकड़ जमीन तो लग कम पड़ गए का, जो गरीब के जमीन हड़पे कोशिश करत हस। किसान के जमीन से खिलवाड़ झन करवे हरिया, वरना वरना का। अरे जैन भी हमार रद्दा में आई ना, बोलो मार मार के भोतवा कर दू हूँ। हरिया तोला मार मार के अगर करिया नहीं कर दू ना तो मोर नाम पवन नहीं। ए पवन, अरे तोर तो मूड़ी ला काट के खींच करिया दू हूँ, नहीं तो मोर नाम हरिया नहीं। ऐसे छोटे मोटे हाथी ना आर मास्टर एक मुक्का माटी में मिला देते। हरिया
आइंदा दूसर के जमीन में नियत खराब झन कर बे, वरना मार मार के बुरा हाल कर दूं। बोल दे तोर दावला। कौन भैया बहुत साथ हो? ए मास्टर, अरे घर चल यार, हरियाला तो करिया बना दे और ते तो चल। चल भैया। रुक रुक। अरे भैया, गांव इज्जत मोर बहुत सांस में लड़े हैं दिखाने, थोड़ा चिकना लगा दे सर। अरे यार, पागल है यार। चल हो गया अब। चल यार। इडियट, मिस्टर कीचड़, दिख नहीं रहा इतना बड़ा रोड है, मेरी गाड़ी दिखी छुपाने के लिए। ए मैडम, मोर नाम पवन है, पवन मिस्टर कीचड़ नहीं। और रही बात आखी तो तोर चेक कराया लगी, तबे तो गला साइड में आके गरीब के जान लेवर पड़े उसका। छी, कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों से, बड़ी गवार कहीं के, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। अरे बदबू तो तोर दिमाग में है मैडम, ये धरती महतारी के माटी के खुशबू है, ये में बदबू नहीं है। खैर छोड़, देखा समझ में। छोड़ दो पवन भैया, पीपा के छपा गए, माफ कर दे। ए इडियट, शराबी कहीं का अपने जैसे समझ के रखा है क्या? छी, कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों से। देसी मत पिया, अंग्रेजी पिया, बदबू नहीं है। अरे तुम लोगों से तो बात ही करना बेकार है, हटो। अरे पागल। अरे चल यार मास्टर, आज के तो दिने खराब है, फिर कोई ठोक देता। चल अब ठोक दे, हम भी ठोक दे। अरे अरे, देख हरिया पगला गए का रे, पूरा पगला गए रे। अरे हट। आई तेह काकर संग झगड़ा लड़ाई करके आया है। अरे कीचड़ में गिर गए रे हूं। तेकरे से ते कहतो ज्यादा दारू आरू झन पिए का, फिर ते मोर कहना कहां मान थास। अब ते चुपचाप रही बे, नहीं तो तुरंत में कूद दूं। चल जा यहां ले। मां पवन, काकरो संग लड़ाई झगड़ा करके आहस का, ये चिखला माटी में कैसे सनाहस बेटा? मां हरिया बार बार खेत के मुहिला फोड़ देते। माँ तो लग कत्ते घाव के हैं, दाऊ जी मनसंग झन लागे कर कही के। अरे ते मोर एक ठन सहारा हस बेटा, मोर आखी के तारा हस रे। चल बैठते हैं। माँ ते छोटे छोटे बात में चिंता झन करे कर। माँ हाँ, फिर ते काकरो संग लड़ाई झगड़ा मत करे कर पवन। हाँ, अब नहीं लड़ो मैं बिल्कुल। दाऊजी, 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 का हो गया हरिया, का बर चिल्लावत हस? दाऊजी, ये पवन ला तो मैं आज गाड़ दे रहते हूँ, एकर कुछ न कुछ करेल पड़ी, पूरा गांव के किसान मन के हितवा बने को मत है। हरिया, दुश्मन जब समझदार होते तफार सामने से नहीं करे जाए, एक तो पीठ पीछे करे जाते और दिमाग से करे जाते। वो कैसे दाऊ जी? है? जी दाऊ जी। लाला, हमर गांव के कोई भी किसान आही तो खाद बीज के दाम बढ़ा देवे, बाकी मैं देख लूं। जी दाऊ जी, जैसी आपकी आज्ञा, कमाएंगे नहीं तो आपकी सेवा कहां से करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा दाऊ जी। वाह दाऊ जी, जवाब नहीं है आपके। आगो आगो देख हरिया, अभी तो उद्घाटन होए, पवन ला दफन करेंगे। का चल बाजार चल, चल जल्दी। अरे अरे, अरे, अरे मास्टर, कैसे करता यार? अरे यार, गाय रखे है, दूध पीते है, गोबर लो उठाना चाहिए ना, परे जगह जगह कचरा कर।
अरे मास्टर, ये हमर गौ माता के गोबर है और देख दे एक दिन ही गोबर बनना तोला लाइन लगाए ला लगी पैसा मा बिकी पैसा मा नहीं हाँ। लाइन लगा हूं ओ भी गोबर पर मास्टर सिर्फ दारू पर लाइन लगाते गोबर कभू नहीं बिका पागल है यार चल अरे यार मास्टर ये दाऊ के टूरी बहुत घमंडी है लेकिन बहुत खूबसूरत है यार तुम और बस सेट कर दें भैया पागल पाप लगी तो ल ये भौजी है तो समझे चंदा जस तोर सुंदर चेहरा झूले मोर नजर मा सजनी सुन ले तोर बिना मोर जिंदगी हा मैं अधर मा देखे बिना तोला मन नहीं माने संगी जहुरिया कोनो न जाने हाय मोर डारे ना 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 दीवाना कर डारे ना संगमया हो गे ना काते मोला मोहनी खवाए सरी सरी रतिहा मोला जगाए दीवाना कर डारे ना 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 दीवाना कर डारे ना मैं
संग मया हो गे ना काते मोला मोहनी खवाए सरी सरी रतिहा मोला जगाए दीवाना कर डारे ना 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 दीवाना कर डारे ना चल। ओए हेलो, कितने हुए? मैडम 50 रुपए। क्या इतने गुपचुप तो 20 रुपए में मिलते हैं? शहर की लड़की देखी नहीं कि 20 से 50 कर दिया? बेवकूफ समझा है क्या? अरे नहीं मैडम, 50 हो है आपके। अरे नंदू कहा हो गे? जान दे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ले मोट डाले 50 रख और फोकट छाप मन लखावा दे। ले पकड़ 100 रुपए और अनपढ़ गवारों को खिला देना। अरे नंदो ये 500 रुपए रख और मोट डाले शहर के सबों को मंडी ट्री में लखावा दे। ये पकड़ 2000 फालतू भिखारियों को खिला देना। क्या बात है पवन भैया, आज तो पूरा महीना कमाई करा दे। बेटा पैसा वापिस कर, जितना हो अपने काट, बाकी पैसा मैं संभाल लूंगा। के महीना भर के दारू जुगाड़। दीदी एक क्वेश्चन के आंसर बता देना, नहीं तो मोर बेटा मोल बहुत मारी। अरे मैंने तुझे घर में भी बोला ना, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है यार। कहा दीदी इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी ये क्वेश्चन ला सॉल्व नहीं कर सका था। अरे यार। हाँ तो बच्चा हो, कैसे कहो थे? और कहो थे कैसे? कलम। ठीक है, और कलम मतलब कहो थे बेटा? पेन। हाँ तो बेटा कलम के ताकत बहुत ज्यादा होते, कलम के ताकत से मालूम है सरकार गिराया जा सकत है। वही नाम से आप मतलब पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है तो चलो चालू कर धन। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डी फॉर। दीदी रुक रुक रुक, तो अंग्रेजी अल्फाबेट तुम मतलब इसने पढ़ाई करना है तो आगे बोलो। कौन भी क्वेश्चन के आंसर लेके आप क्या उस गवार से? अरे तो देख तो सही दीदी, इसने पढ़ना है तुम मतलब। हां आओ ते बता बेटा। पवन भैया। अरे कैसे रितेश? और पवन भैया ये क्वेश्चन के आंसर ला दे देना, नहीं तो मोर बेटा मोला बहुत मारी। प्लीज पवन भैया। ठीक ठीक ला। ये देख रितेश। हाँ थैंक यू पवन भैया। ठीक है रितेश। ठीक है बच्चों देखे दीदी, पवन भैया मोरा क्वेश्चन के आंसर दे दीस। अब बता गंवार पवन भैया है या? ए चुप बैठ। तो ठीक है कल पूरा होमवर्क करके आना है। ठीक है नीलेश, ते निकल मैं रिंकिस मिल के आता हूँ। अबे बने मिल के आबे भग जन जबे। हाय रिंकी। हाय, मैं कब से तोर इंतजार करत रहे हूँ। का हो गए तोर चेहरा में 12 बजे? मोर फीस नहीं पटे है मैडम चिल्लाही। अरे पगली मोर रहा तक ने तोला का की चिंता, चल स्माइल दे डायन वाली। वैसे एक बात कहो। बोल। ते पहली किस दे फीस पड़ जाए। चल पागल। अरे रुक का करत हस? मैथ्स के पढ़ाई करत हूं। अच्छा मुझे बता दे कैसे रे लटर पटर आगे ते कैसे दोस्त हस यार? दोस्त हो के दोस्त के फीलिंग नहीं समझस? अबे ते आलिया भट्ट जो तोर फीलिंग समझू। आलिया भट्ट नहीं तो सोनाक्षी सिन्हा तो हरा ना, बस थोकन चुंदी कम है और शरीर से थोकन सुखा गया बाकी सब एकदम टनाटन है। बाकी बचे का है वो बात अलग है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ दो धातुओं के मिलने से एक अलग ही रिएक्शन होता है। मैडम इतनी अलग रिएक्शन चला थे। क्या हुआ रितेश? उठो। क्या मस्ती कर रहे हो? नहीं मैडम। आओ इधर। एसीएन क्या है बताओ?
बता कुछ भाई प्लीज। रुक रुक। मैडम HCN के फॉर्मूला जहर है मैडम। वेरी गुड। ये पॉइजन का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन साइनाइड। यस मैम। एक अच्छा वाला चश्मा दिखाइए। जी बिल्कुल, ये लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिए आप। ऐसे झन कहो सेठ जी, काली तो इनका रेट 700 रुपए रही से, और आज 1600 कहा था। किसान मन के खून चूस चूस के सेठ बन गए हो, तका जान तको ले डर का। देख भाई, मारो को मत बोलो, जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है ना, उनको जाके बोलो लेना है तो लो, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या ठीक कहा था सेठ, जबरदस्ती तो हम कर था ना। अरे आज किसान के अनाज की कीमत छोड़ के सब चीज की कीमत बढ़ जाते। देख सेठ, याद रख बे, अगर किसान जिन दिन अन्न उपजाना बंद कर दी ना, वो दिन दाना दाना के मोहताज हो पड़ी तुम्हें। अभी भी मौका है, समझ जा सेठ। देख भैया, भाषण देने से बात नहीं बनती, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ नेता बनो, भाषण दो। ठीक है सेठ, ठीक है काका, चल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकली। सचिव जी, दाऊजी गांव के भवन के निर्माण में कतका लगाता है? गांव के भवन के निर्माण पर दाऊजी 10 लाख रुपया आए हैं। बड़ खुशी की बात है, हमारे गांव के भवन के निर्माण में 20 लाख के खर्चा आए हैं। आखिरकार गांव के विकास के जिम्मेदारी हमर है ना। तो ये सरकारी दस्तावेज है, इमा सबो पंच मन के दस्तखत लागी। का है कि आखिर कल भवन के उद्घाटन घलो है ना। चैतराम चल दस्तखत शुरू कर। उद्घाटन में कहीं व्यवस्था है दाऊ जी? अरे पहली दस्तखत कर रहे भोतवा। हाँ मैंने कहा चल। हो गया दाऊ जी। दाऊ जी नमस्कार, मोर बर थोड़कीन व्यवस्था कर देते हो? कहा सोचा था काशी, कहा हो गए दाऊ जी? मैं सोचा था जो 20 लाख के भवन निर्माण हो है, बोला एक बार चल के देख लेथन। मोला तो गांव में एक कोठन भवन नहीं दिखा थे। काशी कल भवन के उद्घाटन है, काली चल के देख लेबे? नहीं दाऊ जी, भवन ला आज ही चल के देखबो। ए गांव के जीवन दाता, गांव के पोसैया, दाऊ जी के काम ऊपर शक करत हस्ते है, लगत है तोर औकात बहुत ज्यादा बढ़ गए। माफी चाहता हूँ दाऊ जी, पर मैं साइन नहीं कर रहा हूँ। ए, धरेला। मैं तो लो बता दू काशी, जा। जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, हमर गांव मा एक शुभ कार्य के उद्घाटन होइया है। ये उद्घाटन हमर बड़े भैया, हमर भगुआ, हमर अन्य दाता विक्रम दाऊ जी के हाथ होइया है। संगवारी हो, कुछ ही क्षणों में हमर विक्रम दाऊ ये मंच में अवैया है। संगवारी हो, वो देखो विक्रम दाऊ जी यहाँ आ गए है। विक्रम दाऊ जी जिंदाबाद, 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 विक्रम दाऊ, जिंदाबाद, दाऊ, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे रही रही दाऊ जी, अरे फीता काटेले उद्घाटन नहीं हुए। अरे असली उद्घाटन है तो डब्बल धर के हरिया भीतरी में बैठी भाई, तब उद्घाटन हो। अरे ये ते का बोला था? अरे ये कहते हरिया मतलब करेल पड़ी। हाँ जा 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 जा। अरे 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 दाऊ जी, मैं उद्घाटन करे बार गये हूँ, कुकुर है पहली ले उद्घाटन कर दी। होगी ना उद्घाटन, चाहे कुकुर करे
चाहे हरिया करे, मतलब तो एक के छे ना दाऊजी। ए फालतू बात मत कर, हमार घर वाले ला कुकुर कहबे रे। हम कुकुर नहीं कहा था, ते समझता ते हम बोले हा, अभी तो कहे कुकुर कहे। हम कुकुर ला कुकुर कह रहे तो आदमी है तो मुझे तो ये भी शुरू हो जा तो तुमन। आई बहिनी चुरकी। हाँ बहिनी मुर्की। आई कहीं सुने हसिया? नहीं सुने हो बहिनी। आई वो दाऊ हा के है बहिनी, सबके खाता में पैसा है की की। अच्छा? आज और डारे ला जाबो तनु हो बने पैसा जोगबो। फिर तोला का चीज के टेंशन बहिनी, तोर तो बने चांदी है या तो डौका हरियक रहत ले तोला का टेंशन। डोंट टेंशन या आई, ये डोंट टेंशन का है या? आने ताने बोल थस, तोर लाला सेठ के राहत ले तोला का टेंशन है, ते हस डोंट टेंशन। आने ताने बोल थस, ते कैसे आनी बानी गोथिया थस कथसिया। आए हम कबर आनी बानी गोथिया बो, तोर झगड़ा लड़क माने है काया। देखिया मुर्की, मैं तोला ना ये कचरा में ना घुरवा बना के तोल फेंक दूं रे। इसने समझता था हम पांचवी तक पढ़े लिखे रे, तोर जैसे थोड़ी अनपढ़ छाप। का कहे अंगूठा छाप, महू दूसरी क्लास पढ़े हो, महूला नाम लिखलाते जाने। तो कैसे तो लड़क मन है? नहीं तो लड़क मन है, कते मारबे बोला रे, मारबे का बोला नहीं ते मोले मारबे का। आ आ तो रोन मारू रे, बता खाही नहीं तो है मुंह से लग ले अच्छा तो रे तो नहीं करो रे। हां ये नहीं मर नहीं तो मार दे तो होने छोड़ रे। हां अरे 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 साबर लगा था तुम, साबर लगा था तुम, केला उठा साबर, तुम झगड़ा कर था। अरे अरे तुम गड़ौने नहीं तो तुमन घुरवा में आके काबर लाला था वो है घुरवा का काम आते तेला तुमन जान था घुरवा ले खातू बन थे तुमन घुरवा से गे गुजरे हो। चलो अपन अपन घर, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा करा। मैं देख लूं रे तो मुंह किरा परे, मैं तोला देख लूं रे तो मुंह किरा परे रे दुखाई। जब देखो झमल दे रे दुखाई ले धर, तो झमलते धर बोले देख रहा हूं तोला रे मुंह किरा परे जा रहे। मैं तोला देख लूं काशी, ये दाऊजी के प्राइवेट मंदिर हरे। फिर तोर हिम्मत कैसे हो गई मंदिर के भीतरी आके पूजा करे के? हरिया एमे हिम्मत वाले का बात है, मंदिर में भगवान के पूजा सबोजन करते, मैं भी करे बर आया हूँ। अच्छा ते पूजा करवे, तोर पूजा तो मैं निकाल लूं। चल बेचारा गरीब ऊपर काबर हाथ उठा था। ये कौशल्या, ये काशी है ना, दाऊ के बनाए मंदिर में अंदर जाके पूजा करत रही से। तो कैसे पूजा पाठ करे के अधिकार का सिर्फ बड़े आदमी मिल रहा है, गरीब के कोई हक नहीं है का? भगवान के बनाए हम सब जन हरन, हमार बनाए भगवान नो है समझे। ए कौशल्या ज्यादा ज्ञान झंझाड़ छोड़ सियान ला, भगवान ले डर रहा। ए कौशल्या ये बीच में मत पड़। अरे तू मतलब का मिल ही दाऊ बेचारा गरीब किसान मतलब मार पीट के। ए कौशल्या अरे तय और तोर बेटा वो पवन बहुत बड़े गांव के नेता बना फिरत हो, बीच में मत पड़ नहीं तो। आगे मोर बेटा अब निपट। Yeah!
हाथ लगाए पवन ये बर्दाश्त नहीं कर सके दाऊ अलर्ट तो हो गए डोला रे डोला मैंने भी कुछ बोला का रे पवन तोर देह में अतका चर्बी हो गए है तय दाऊ जी के साथ दादागिरी कर बे पकड़ो रे दाऊ ते अच्छा नहीं करेस हरिया ताऊ ना देख लू मैं बेटल छोड़ दे साहब अरे गुंडा गर्दी तो दाऊ मन करे है फिर मोर बेटल काबर पकड़े हो तुमन अभी तो गुंडा गर्दी तोरे बेटा करत है और ते दाऊ जी पर इल्जाम लगा थस चल रे अंदर डाल पवन ला चल हम बात करबो पवन 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 छोड़ दो मोर बेटल साहब 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 मोर बेटल छोड़ दो नहीं मां पवन पवन डोला रे डोला मैंने भी कुछ बोला तो रते हिम्मत कि तय दाऊ जी के गिरेबान पे हाथ डाल बे ये आप मन नहीं बोला तो साहब ये दाऊ के पैसा बोला थे और रही बात हिम्मत के ना तो हम मन मेहनत के खतन खून पसीना के तुम और जैसे दलाली नहीं करन चुप कर पांडे जी सर एतिया जी सर का लिखे पढ़ तो देशभक्ति जनसेवा ठीक से पढ़ देशभक्ति जनसेवा देशभक्ति जनसेवा नहीं लिखे रे दे बत्ती जीव लेवा ठीक है अतका तोड़ाई करा एकर कि एकर हालत खराब हो जावे क्या छुपा रहा है तू कुछ दिखा थी। ओ तो तू अब अपने घर में चोरी करने लगा है क्या जरूरत पड़ी तुझे पैसों की पवन भैया ला छुड़ाना है प्रिया दीदी कल पापा के कहले पुलिस वाला पकड़ के ले गई तो तू उस गवार के लिए पापा के खिलाफ जा रहा है पवन भैया गवार नहीं है दीदी पवन भैया जिसे इंसान ले इसे झन भूल बल्कि वो तो नेक ईमानदार और सबसे बड़ी बात गाँव के सुख दुख के साथी है रे वो सब मुझे नहीं पता ले तू रख के आ पैसे ऐसे जान कर दीदी पवन भैया छुड़ाना बहुत जरूरी है मैंने कहा ना रख क्या जा
ये ले पैसे और छुड़ा ले पवन को। लेकिन ये मत सोचना कि मैं उस गवार के लिए पैसे दे रही हूं। बस तुझे पापा की नजरों में गिरना नहीं है। बड़ी माँ, ये पैसा ला रख ले और पवन भैया ला छुड़ा के ले आ। नहीं नहीं बेटा, ये पैसा ला ते रख, पवन ला मैं छोड़ा। मोर पिताजी से जो भी गलती हो है वो कर लिए, मैं माफी मांगा था बड़ी माँ। अरे पगला, तोला माफी मांगे का जरूरत है बेटा, ते ऐसे मत सोच। ता चल बड़ी माँ, थाना चलथन और पवन भैया छुड़ा के ले आथन। ठीक। नमस्ते साहेब। डोला रे डोला, मैंने भी कुछ बोला। आओ छोटे दाऊ, कुछ शिकायत लिखवाए बाया है इसका, बैठ। हाँ लिखाए पर आए, कुछ पुलिस वाला मन घूस खाते कि साहब मोर बेटा कहाँ है? हमन पवन भैया छुड़ाए पर आए। बाप अंदर करवा थे, बेटा जमानत करवाया है। जमानत पेपर लाने हस ना? लाए हो ना सर, ये ले जमानत पेपर। ये नहीं चाहिए मोला, पेपर चाहिए पेपर। अरे सर पहली देख तो ले। हैं? एकर से बड़े पेपर हो कहाँ पावे? पवन माँ। दुबे जी, पवन ला बाहर निकाल। पवन माँ। पवन ते कैसे हस बेटा? अरे मला कुछ नहीं हुआ माँ, ते चिंता जान कर। चल जा पवन, लेकिन दाऊ से बच के रहे, ठीक है? अरे बाकी दिन भी लगता, लेकिन आज वो स्पेशल वाला, वो अंग्रेजी में का की थे ब्यूटीफुल। हाँ आज एकदम ब्यूटीफुल लगा था। मन तो करते का करते, मन करते का करते, मन करते का करते, मन तो करते तो राखी में डूब जाओ। ये का गार्डन? अरे मोर धान के पैसा मोला नहीं मिली, औकाला मिली। ये तो तोला दाऊ बताई, ओकरे ले पूछ। दाऊ बताई? कैसे दाऊ बताई? ये कहा था? ये तो पिछले साल के ब्याज और कर्जा के पैसा मिला के कुछ नहीं बचे। केशु तोर धान के पैसा कट गए समझ? ऐसा जानकर मैं पूरा कर्ज ला तोड़ तोड़ करके चुका दूँ और फिर मोर बेटी के ब्याह घरों मार के। तोर बेटी के ब्याह होए चाहे झन होए, मोला ओकर से कोई लेना देना नहीं है। मोर पैसा समय पर वसूल होना चाहिए, यही मोर पुरखा के रीते। राम कर दाऊ जी, मोर इज्जत आपके हाथ में है दाऊ जी, राम करो दाऊ जी। जिला मान नहीं है किसान के, जिला डर नहीं है भगवान के, वो इंसान नहीं हुआ दाऊ जी, वो औलाद है शैतान के। शैतान हूँ मैं, शैतान, शैतान के आगू में आवे तक कच्चा चला जाओ। तोर और तोर बाप के काय औकात रही से मोर ले ज्यादा कौन जान ही दाऊ? बहुत हो गए तोर अत्याचारी, अब बस कर। हमरे टुकड़ा में पलैया भिखारी हंसते हैं, भिखारी। बोल लो संभाल ले, नहीं तो धान मंडी में तोर समाधि बनावत देर नहीं लगे। मोर बाप तोर आदमी ला चबा के खा गेरिस, यही परंपरा ला मैं आगू बढ़ा हूँ। कच्चा चबा के खा जाऊं तोला उत्तर लई कला। अरे तोर का औकात है दाऊ कोइला कच्चा चबाए के है? अरे जेन धन दौलत के तै घमंड करत हस ना, वो पवन के बाबू के दे तोला भीख है भीख। भिखारी हो, सुरता है या सुरता देवाऊं?
ये का कहा था माँ? मैं सही कहा था बेटा, तोर बाबू ये गांव के महान इंसान रहिस, और ते कोई गरीब घर के लड़का नो हंस, तोर बाबू ये गांव के दाऊ रहिस, और ये कर बाप तोर बाबू के मुनीम रहिस। ये तब की बात है बेटा, जब ते 4 साल के रहे। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ताऊजी, का हो गया मुनीम? ताऊजी, मोर सुमित्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मोला कुछ समझ में नहीं आवा थे मैं का करूं। मोर सुमित्रा ला बचा ले दाऊ। घबरा जान कौशल्या जी, ते पवन के ध्यान रखबे, मैं आवा था। हाँ। ए, वो बैदला बुला के लाबे। चलो आवा। हाँ दाऊजी। तोर बेटा विक्रम का है? वो खाए कमाए बस शहर गए दाऊजी। अच्छा। अरे लेटर। अरे सुमित्रा, अचानक तबियत कैसे खराब हो गई तोर? कौन जाने दाऊ जी, खाली ले बैठा रहा, उल्टी हो गई। नहीं बचो, मोला बचा ले। अरे कुछ नहीं हुई, सब बने हो जाएगी। मुनिम जी, चिंता जान करो, एकर ध्यान रखो, बैद आते छ हुई। जी दाऊ जी। दाऊ जी, मोर बेटा की तबियत खराब हो गई, जल्दी चलो। चल, चल, चल। सुमित्रा, ता ठीक हो जा रहे? दाऊ जी, देखा नहीं कला, कैसे करा थे? बाबू, दाऊ देख लगा। बाबू, आगे खोला बेटा। बाबू, कहाँ हो गए दाऊ? मल्लिका लगा हो गए। बैदराज जी, मोर बाईला बचा ले मोर बाईला। दाऊ जी, उल्टी टट्टी कारण एकर शरीर से पूरा पानी कमी हो गया है, और यही नहीं, पूरा गांव के हालत बद से बदतर हो गए है। मोला माफ कर दो दाऊ जी, मैं कुछ नहीं कर सका। आप शहर से डॉक्टर बुला लो, और वही मने मोला ठीक कर सकते, वही मन इलाज कर सकते। दाऊ जी, ये गाँव वाला महामारी ले बचा ले दाऊ जी, एक एक करके सब मरत जाते। हाँ दाऊ जी, ऐसे में तो सारा गाँव शमशान हो जाए। अब सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ी दाऊ जी। सारा गांव ला बचा लो दाऊ जी, सारा गांव ला बचा लो। गुड्डू के पापा, उठना तो लेका मल्ला कोल पाली। हे भगवान, ये का हो गए? का हो गए ये सब? का हो गए? भाई बचा ले मालिक, मोर भाई बचा ले दाऊजी। दाऊजी, मोर बेटा ला बचा ले दाऊजी, तो हाथ पैर जोड़ा तो दाऊजी। मोर बाप ला बचा ले दाऊजी, तो हाथ पैर जोड़ा तो दाऊजी। कसल्या, ये महामारी से
कोनो नहीं बची। राजा ने का करना चल लग गया हमारे गांव ला, हमला शहर से अच्छा डॉक्टर बुलाए ला पड़ी। हे भगवान, 3 साल के अकाल ही सही जीवन चलत तो है, ऊपर से ये महामारी। कसलिया, मैं शहर से बहुत सारा डॉक्टर बुलाऊ, मैं अपन गांवला शमशान नहीं बनन दो, मैं कोनोला मरण नहीं दियो। ते जमीन के कागज लेके आ। ये का कहा तो पवन के बाबू, 3 साल के अकाल में पूरा गांवला तो पोसते छो, अब ये जमीन जायदाद। जमीन जायदाद तो फिर आ जाए कौशल्या, फिर ये गांवला बचाना बहुत जरूरी है। तेजा मुनिम जी। जी दाऊ जी। शहर में जाके लाला सेठ करा घर के कागज गिरवी रख दिए और छत का भी पैसा आई, वहां ले अच्छा डॉक्टर लेकर आओ साल ले, दवा दारू में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। बस और गांव से एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए, एक आदमी। जी दाऊ जी। ठीक चले तो। जल 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 निकल 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 निकल। हे मालिक, हे राम। ठीक लगा थे काका? सब ठीक है ना? आप मन ठीक हो ना? सब बने होंगे। आओ। हाँ। जय जो। देखो अब घबराए के कोनो बात नहीं। सहले बड़े डॉक्टर मन आए हैं। अच्छा इलाज हो ही अब। हाँ। ठीक है? ठीक है ठीक है। अच्छा राम राम। आपके भगवान भला करे दाऊ जी। चिंता जान करो। डॉक्टर आगे है, बने इलाज हो ही। हाँ? राम राम। गांव को यू खाता तैयार हो गया है। चाय पियो। वो नाम बने हैं कि नहीं देख ले वो। दाऊ जी, एमए 4 जगह आपके दस्तखत होना है। कावर की जब तक आपन दस्तखत नहीं करो ना, वो लाला सेठ पैसा नहीं दी। कहाँ? एमेर। हे पकड़ ले शंकरला, बने ऐसा पकड़ के रख। का नाटक है मुनिम तोर? आए? तोर हिम्मत कैसे हो मर नाव लेवे के? हिम्मत तो अब मैं दिखाऊं। काबर की जत का भी तोर जमीन जायदाद है ना, ये 300 एकड़ के मालिक मैं हूँ। मैं और आज ले गांव के दाऊ मैं हूँ। मुनिम साहब, मैं भी आपका जान नहीं हूँ, जत का जान तोर में है। मुनिम जिन थाली में खाए वही मैं जत का डाले। मुनिम वही मैं जत का डाले। अरे ते ऐसे दाऊ नहीं बन सकस रे। अरे दाऊ बने बर कलेजा चाहिए कलेजा। और ते मोर घर के पाले पोसे कुकुर हसले कुकुर। कुकुर मैं नहीं, अब ते बन बे मोर कुकुर। हाँ सुन, ये जो गांव में जो सब होबा थे ना, ये कोनो बीमारी महामारी नो है, ये सब मोर किए करतूत है। काबर की गांव वाला मन जो पानी पीते ना, वो मैं मिला दे रहे हूँ। मैं तो जमीन जायदाद फाइबर कुछ भी कर सकत हूँ। ते पूरा गांवला शमशान बना डाले रे। हट हट, मैं तोला छोड़ू नहीं रे। पवन के बाबू।
दिया जब बुझने वाला होते ना तो जोर से फड़फड़ाते, जैसे तय फड़फड़ावत हस का भर की तोर जिंदगी के दिया अब बुझने वाला है। तय जो अभी चाय पियस ना ओमे में जहर मिला दे रहे हूँ। कमीना देखोगे ना, जब मैं अपन डौकी ना नहीं छोड़े तोला छोड़ूंगा। बोले रहते तो पूरा जायदाद तोला दान दे देते हो। मर गावला संसार काबर बना डाले रे। अब आज ले मैं गांव के दाऊआ। अब आने वाले दिनों में मोर बेटा विक्रम यहाँ राज कर ही आओ देख बे, तोर बेटा पवन मोर बेटा विक्रम के गुलामी कर ही। भगवान कस डॉक्टर मन वो दिन पूरा गांव के फोकट में इलाज करे रही ने, वो वेकर बाप पूरा गांव ला सांप बन के डस दे रही। अरे वो तो बस डसे रही से, मैं ना आज घर बन के तुम्हारा कच्चा चबा जाऊं। ये तोर भूल है दाऊ, तोर जहर भरे फल ना ना आज मैं कुचल दूं। हाथे तो दाऊ के पूरा साम्राज्य हिला दूं। नहीं पवन नहीं, तोला एकर साथ नहीं लड़ना है पवन। हमर लड़ाई सीधा सरकार के साथ है बेटा, खबर कि हमरे गांव में किसान दुखी नहीं है पवन, देश के हर राज के किसान दुखी है। अब हमर लड़ाई सीधा सरकार के साथ हो ही बेटा, तब एकर घमंड टूटी। जा चल पवन चल। मोर बाबूजी से जोन बनीस आप मन के लिए वो सब कुछ करी से, अब बाबूजी के हर अधूरा कामला मैं पूरा करूं। अब गांव वाले मन के समस्या पर मैं लड़ना चाहत हूं, बस आप मन के सहयोग अगर मोला मिले तो। फिर पवन भाई तुर बाबूजी के उपकार लग कौन भुला सकते, तुर बाबूजी तो मनखे के रूप में देवता रही से देवता, जेकर खून आज तोर रग में बोहावत है, और तय
हम सबके सुख दुख पर अगुआ बन के खड़े रही थस। पवन, हमार गांव के लड़ाई हम सब मिल के लड़वो और एकर खती हम गांव के सियार बहन बोलो मुखिया चुनो तो। पवन भैया, आज ले हमार गांव के रखवार तय हरस। हाँ पवन भैया, अब किसान मन के जम्मू लड़ाई तोला लड़ना है। अब किसान राज आके रही। तो ठीक है, कल मन हमार किसान मन के जम्मू समस्या ले के मंत्री जी से और कलेक्टर साहब से मिले पर जाबो। तो किसान राज अरे रे 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 रुको, कहाँ जाते हो तुम्हें? मंत्री जी से मिले पर। समय ले हो, मंत्री जी से मिलेगे? समय ले हन तभी तो आए हन, जब बोल दे अपन मंत्री ला। ठीक है, खोल दो, जाइए। क्या बात है, भीड़ क्यों लगाए हो? अरे भीड़ नहीं है साहब, हमन सब किसान मन हन और हम अपन समस्या सुनाए बर मंत्री जी से मिले बराहन। लेकिन मंत्री जी अभी नहीं मिल सकते, वो मीटिंग में हैं। जाके बोल दो अपन मंत्री जी ला, ओकर जनता ओकर इंतजार कर रहे। सर, कुछ किसान आए हैं अपनी समस्या लेकर। किसान, उनको बोल दो साहब मीटिंग में है, दो चार दिन का टाइम दे दो। जी सर। मंत्री जी आज नहीं मिल सकते, वे बड़े व्यापारियों से विशेष मीटिंग में हैं। अरे व्यापार तो होत रही साहब, लेकिन हम किसान मन के समस्या ज्यादा जरूरी है। मंत्री जी ने कहा है कि दो तीन दिन बाद आके मिलना। ठीक है, अब हमन मंत्री जी से मिले बर नहीं आन, मंत्री जी ला खुद हमार गांव में मिले बर आए ला पड़ी। जय जोहार। नमस्कार कलेक्टर साहब। जी नमस्कार। गांव के कुछ भूखा नंगा मन आए हवे आपके पास। अरे कहां अपन समय खराब करत रहो, भगा दो मल्ला बाहर ले। दाऊ जी, जिसे आप भूखे नंगे कह रहे हैं वो किसान है, अन्नदाता है। और रही बात भगाने की, तो मैं एक जन सेवक हूँ और इनका समस्या सुनना मेरा कर्तव्य है। आपके सेवा पानी पहुँच जाए कलेक्टर साहब, अपन समय ला बचा के रखो। हर अधिकारी बिकाऊ नहीं होता दाऊ जी, ये नियत की बात है। सरकार ने मुझे इन्हीं लोगों की सेवा के लिए चुना है, और गलती से भी दोबारा फोन मत लगाना। हम गरीब किसान के कौन सुनी साहब? आए दिन किसान मन के समस्या रहते साहब, आखिर आप और आपके शासन किसान मन अपन दुश्मन काबर समझते हो? अरे बड़े बड़े इमारत बना देने से देश के विकास नहीं हुए साहब। देश के विकास तो तब होते ना जब किसान को सहारा थे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, मैं भी किसान का बेटा हूँ, पढ़ लिख कर यहाँ बैठा हूँ। आप एक आवेदन दे दीजिए, मैं कोशिश करूँगा ऊपर तक पहुँचाने की। कोशिश नहीं साहब, समस्या के समाधान चाहिए। मैं खुद चाह रहा हूँ हर किसान की समस्या का समाधान हो। कलेक्टर साहब, सवाल अब किसान मन के सम्मान के है, और जब तक हम किसान मन के मांग पूरा नहीं हुई ना, हम अन्न के एक दाना नहीं बेचन। आप जम्मू किसान मन के समर्थन की जरूरत है, काबर की एक घमंडी सरकार के घमंड तोड़ना है। और एक बार हमारे युवा किसान नेता पवन आह्वान करे कि कोई किसान आज ले अपन धान ला नहीं बेची, जब तक सरकार जो है हमारे धान के समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर दे। आप सब मन के का राय है? राय हम सब के एक है, हम सब पवन के साथ हन, हमन कोनो किसान धान नहीं बेचबो। जब हमन सब के पेट ला भर सकत हन, सब ला लागन सुता सकत हन, और आज के बाद एक अन्न के दाना भी नहीं बेचना है। सही बात है। हाँ हाँ, हम सब किसान एक हन। किसान एकता। काका, ए काका। अरे पवन बेटा। राम राम काका। राम राम बेटा, राम राम। आप एला रखो और नोनी के बिहाव में कोनो कमी नहीं होना चाहिए काका। एकर का जरूरत है पवन बेटा? अरे रख ना काका, आखिर नोनी भी तो मोर बहनी के समान है ना, और आप मोर पिता के समान हो। जाओ, नोनी के बिहाव अच्छा से करो आप। खुश रह बेटा, खुश रह। ए दाऊ के टूरी, मोर रास्ता काबर रोके हस? दाऊ के टूरी मतलब
मेरा नाम प्रिया है, वैसे तुमसे काम है। काम? ये गंवार से तो लगा काम आगे मैडम। हाँ? ए पवन सुनना, मेरे खेत में ट्रैक्टर चला देना। काबर? तुर घर में नौकर जाकर मन लगा होगे? और तोला कब से खेती किसानी भूत सवार हो गए? क्यों, मैं किसानी नहीं कर सकती? अरे पैसे ले लेना। वैसे क्या चार्ज करोगे, दिन का या घंटे का? मजाक झन समझवे खेती किसानी ले। कभी आ जावे खेत तो चढ़ जही तोर चेत। जय जोहार। पवन सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे प्यार हो गया यार। प्यार? और तोला प्यार जो है ना, एक लड़का और लड़की के बीच में होते। क्या, मैं तुम्हें लड़की नहीं दिखती? लड़की और तय कोनो एंगल ले नहीं दिखास। हाँ? अब पवन, अरे पवन सुन, अरे रुकना, सुनो रुको। ला 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 ला। चुरकी आइए बहनी चुरकी। कहा मर गए, दुखा ही गतर के है। जन्मों का घर पथरी पर था तैसे। हूँ हाँ कहीं चीनी कहा थे। का बात है बहनी मुर्की, कैसे हास? आई बने बने बहनी, बने बने आ। पाँव पड़ो तो मुसी। खुशी रहा बेटी, खुशी रहा वो। आओ बता बहनी का हाल चाल है। आई का हाल चाल ला बताओ। गो आने आना, आन बैठना। हाँ हाँ ले बहनी सुना सुना। आई बैठना बहनी बैठना या, एक कंचुगली करूँ या। हाँ ता लेना बहनी सुना ना। आई काला बताओ रे, वही पवनटू रहनी या। और दाऊ के बेटी प्रिया, दोनों जन के भारी जोर दड़ा चलते रे। आई का जोर दड़ा चला था बहनी? निचा नड़ियस का या भाकली गतर के, कहीं चला नहीं जानस। आई प्यार मोहब्बत इस लव आसकी चलत रे आसकी। हरी भूमि और दैनिक भास्कर ले बड़े खबर तो तोर मुले सुन ली। लेना बहनी सुना ना यहाँ। कैसे गोठिया था सिया, एके गांव रही थन दई, दुनिया खबर ला जान थन तब बोले पड़ जत मानी। वैसे एक बात बताऊं या चुरकी, दोरो बेटी के ना भारी चला था दाऊ के टूरा संगे। वाह हरे रोग ही, ते दुनिया जहाँ के खबर सुनाए बर आए हस कि मोर बेटी के बारे में आग्गी लगाए बर आए हस रे। ए दे इहिल कथी, सच बात न कबे तय आदमी मल्लक जरे कस मिर्ची लगते। का मिर्ची लगते रे, का मिर्ची लगते? उठ उठ रोगी नहीं तो, चल भाग यहाँ ले, भाग यहाँ ले। हम लगते उठ उठ कहा था सिया, जाजा की कहा था का बात लगा लगते है रे। चला थे तो चला थे रे, दाव के टूरा सर में तोर बेटी के हाथ। चला थे रे चला थे। का चला थे रे, ते भाग कहा था ना, मोर दिमाग खराब झन कर, भाग 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 यहाँ ले। जावा था रे जावा था, फिर हम कहे ना तो? दे बात सही छेरे। चुरकी बहनी, फिर मैं कहे हो ना, ते बात हा 100% सच छेरे। तो टूरी के ना दाव के टूरा संगे टाका भिड़े हैं टाका। ते फिर आगे सरे, भाग कहे हो ना, भाग यहाँ ले, चल भाग यहाँ ले रोगनी तो भाग। ये भगवान का करूं। टूटी झन साज सुर संगीत के। का बात है दीदी, आज ये शेरनी मोरनी कैसे बन गए? अरे तू नहीं समझेगा पगले, ये फैशन है। फैशन है या और कोई बात है? क्या बोला तू, बोल क्या बोला? नहीं दीदी, मैं तो सिर्फ मजाक करे हूँ। अच्छा वैसे तेरा मजाक अच्छा है। आए लगते पवन मोर बहनी लपटा डरिस। माँ। हाँ बेटा। मैं खेत जावा था। हाँ। और मैं खाना खाए के बेरा में आ जाऊं, तय खाना लेके जन आवे माँ, तो का है ना खेत बहुत दूरिया पर थे। ठीक है फिर जल्दी आ जावे। ठीक है माँ। तो रसन बेटा पाके माँ तारी के अचरा धन्य हो के बेटा। गांव के लड़का मन शहर जाके नौकरी खोजते उते धरती माँ के सेवा करत हस पवन। चुक चुक जी बेटा, चुक चुक जी।
होटल माँ भजिया झड़कत के मैं सुत चना के दार राजा चना के दार रानी टूरा पर बुदिया होटल में भजिया झड़कत। पवन भैया बड़ी माँ आवत खाना लेके। अरे मना घलो कर रहे हो मास्टर, तबोल नहीं माने हो, का करवे भाई मास्टर, महतारी के मया है यार। अरे लेकिन ये तो बड़ी माकस नहीं लागत है, कोनो दूसर लागत है। अरे दिन में अतका मत पिए कर मास्टर, चल काम कर। अरे ये तो दाव के टूरी है जी। हैं? आज ये सूरज कहाँ ले उग गया यार? पवन भैया ते बिहाव का ड्रेस अमर पूछे भी नहीं आस, अब मोर नांगिन डांस के का होई। अरे मास्टर चल चुपचाप काम कर चल। पवन, ए पवन सुनो ना। का पवन, मैं कबले तोला कुछ कहा था ते सुनत नहीं हस। दाव के टूरी आज छत्तीसगढ़ी में गोठिया आते। देखना मैं तोर पर काल आए हूँ। मोरबर तय खबर लाहस समझे करने यार, अनपढ़ हंस का मोरबर काला है भौजी। अरे तोरो पर लाए हो। ए पवन सुनना, एतिया दारू के जुगाड़ तो हो गया, लेकिन दाव के टूरी टंगड़ियों लाए हुई का मास्टर, तोड़ तो जम गए। तोला मालूम है मैं तोर बर अपन हाथ से बना के लाए हूँ। अरे मैडम मैं पिज्जा बर्गर नहीं खाऊं। अरे ते पहली देख तो सही एमे है का। वाह दाल भात चटनी, ये तो मोर बहुत फेवरेट है। तक हाँ? अरे मोर फेवरेट कहाँ है यार, सोचे रहे हो कुकरी बने हुए दार चर मास्टर मुकरता देखो मैं। यार पवन I'm really very sorry यार, प्लीज मुला माफ कर देना यार, I really love you।
चुनर चुनर पैरी बाजे रे गोरी जेरा माँ चले छुरी रे ओ आजा पहना दू चुरी रे गोरी आजा पहना दू चुरी रे। हमार प्रिया बेटी और पवन के बीच में कुछ लफड़ा चला थे, मैं अपन आखिर देख क्या हुआ था। ये का बोला था? हाँ भैया, पूरा गांव दिखे है। पवन, हमर ताऊजी के इज्जत ऊपर हाथ डाला था। अब तो ते गैस रे पवन भोतवा। अभी ताऊजी आई ना, ताऊ घर से बात कर बुआ। आप ही के इंतजार रही से ताऊजी। वो पवन हाँ औकात ले आगू बढ़ गए, ओकर कुछ ना कुछ करेल पड़ी। अभी ओकर समय नहीं आया है। अरे बात इज्जत ऊपर आ गए, पवन हाँ आपके दामाद बनना चाहते। में रह के बात कर हरिया। दाऊ जी, पवन और प्रिया के बारे में पूरा गांव ला पता चल गए। आप ला मोर ऊपर यकीन नहीं है ना, तस हमारू ले पूछ के देख लो। हाँ 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 दाऊ, मैं अपन आखिम देखे हूँ। ये बात झूठ निकली ना तो मैं तोर आखिले फोड़ दूँ। रितेश, काली होली है ना, तो मैं क्या करो? तो मोला मोला रंग लगावे ना। बिल्कुल, गोबर माटी चिखला सब लगाओ। और फिर का सोचे है सागू के बारे में? का सोचे हो, काली होली है, भांग पी के सुतरी हूँ, और का करूँ। और हमर फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में सोच के मोर फ्यूचर टेंशन मत बढ़ा। फ्यूचर में ना मैं कॉलेज करूँ। अरे रितेश, तोर और मोर फ्यूचर, तोर पापा एक तो गुंडे है, तो मोला अब टेंशन होते यार। वाह, मोर सामने मोर बाप के बेइज्जती। ते समझस का बने रितेश? मैं सब समझता हूँ, चल पहली साइकिल चला, काली होली में तो धमाल हो ही। जी पापा। अतेक रात के कहां से आथस? और ये लुगरा लगावर पहनेस? पापा, ये लुगरा में का बुराई है? अपन संस्कृति और भाखाला अपनायला पढ़ी ना पापा, काबर की मैं एक छत्तीसगढ़िया की बेटी हूँ। पापा, मैं कैसे दिखत हूँ? अच्छा, मैं जात हूँ। देखे दाऊ जी, पहरावा के संग बोली भाखा भी बदल गई। प्रिया बेटी हा अपन बोली में नहीं बोला थे, पवन के बोली हरे, और आप मन चुपचाप खड़े हो, कुछ बोलत काबर नहीं हो? हरिया, हर समस्या के समाधान मारपीट नहीं होए, और ये जो माया के आगे लगे है ना, हिला माटी तेल डाल के भपकाए ले, अच्छा माटी डाल के दफनाए ले पड़ी। कल होली है, अलहन के तैयारी करो। जी होली है, होली है, होली है, होली है। ए पवन, कहाँ है? अरे बाहर निकल पवन, बाहर निकल, आज होली है। पवन, का हो गया, काबर चिल्लाते तुमन? आज होली है।
ते तो दाऊ की बेटी है ना? हाँ, अम्मा पवन कहाँ है? खुशी रे बेटी। हाँ पवन, पवन तो पवन तो नहीं है बेटी। नहीं है। हाँ हाँ पवन हावे। अच्छा अच्छा एक काम करो, तुम सबो जन लुका जाओ। पवन ओ मन तो चल दिन बेटा, बाहर आ जा, जल्दी आ। माँ अरे अच्छा करे माँ उमल्ला भगा देस, पूरा मोर कपड़ल गंदा कर देती सभी तक। हैप्पी होली। या होली का होते अब मैं तोला बता। अरे भागत कहाँ है, अब मैं नहीं छोड़ा तोला। कोनो विदेशी मादम नहीं है, हमरो देसी कोनो काम नहीं है। अरे कोनो विदेशी मादम नहीं है, हमरो देसी कोनो काम नहीं है। कोनो विदेशी मादम नहीं है, हमरो देसी कोनो काम नहीं है। रंग जमाए बे होली मनाए बे, रंग जमाए बे होली मनाए बे, झूम के आरा पी रानी चुनरी संभाल तोरे कोरी कोरी, राधा रानी चुनरी संभाल तोरे कोरी कोरी। राधा रानी चुनरी संभाल तोरे कोरी कोरी।
कोनो विदेशी मदम नहीं है। हमरो देसी कोनो कम नहीं है। कोनो विदेशी मदम नहीं है। हमरो देसी कोनो कम नहीं है। कोनो विदेशी मदम नहीं है। हमरो देसी कोनो कम नहीं है। रंग जमाए बल होली मनाए बल रंग जमाए बल होली मनाए बल झूम के यारा पी राधा रानी चुनरी संभाल तोरे कोरी कोरी 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 इंस्पेक्टर अरे इंस्पेक्टर मोर दाऊ आगे अब ते मोला दो दिन ले ज्यादा हवालात में नहीं रख सकस। अरे शेर ज्यादा दिन पिंजरा में नहीं रहे। हरिया हाँ ते शेर नहीं कुत्ता हस कुत्ता जे न घर के है और न घाट के। एका कहा था दाऊ मोर समधी बने के सपना देखत है पाँव के पहनी पाँव में शोभा देते मुड़ी में नहीं दाऊ। और वैसे भी हमारे गांव के लड़का ला जान से मारे के कोशिश करे हस ले जाओ इला। हाँ दाऊ जी खूब खातिरदारी करो। ये का कर देते हैं तो रसन पापी इंसान ये दुनिया में नहीं है।
आप मन पवन ला गाड़ी में बैठाओ, हॉस्पिटल लेके चलना है। चल लेगा था, चल काकी, चल चलो। डॉक्टर साहब, कोनो चिंता की बात तो नहीं है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, और जख्म गहरा नहीं है, जान में कोई खतरा नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं दवाई पूरी लिख दिया हूँ। तो ठीक तो हस ना बेटा। माँ, अरे मैं ठीक हूँ माँ। आराम कर पवन, ते आराम कर भाई, हम सब हवन ना यहाँ। पवन भैया, मैं अपन पति के तरफ से माफी मांगत हूँ भैया। कोई बात नहीं दीदी। पवन भैया, हमन आस पास के गांव के किसान हन, तोर ऊपर हमला के बात ल सुनिन तो तोर से मिले बार आ गइन, काबर की तय हम किसान मन की लड़ाई लड़त हस। पवन बेटा, तोर ऊपर साजिश के तहत हमला होए, काबर के तोर आवाज ल दबा सके, लेकिन तोला घबराए के कोनो जरूरत नहीं है। ते तो पढ़े लिखे होनहार किसान हस, ये समस्या सिर्फ तोर गांव के नहीं है, पूरा देश के है। फिर एक बात और है पवन बेटा, ये क्षेत्र के पूरा किसान तोला अपन किसान नेता चुने हैं। भैया हो भैया, मोर सीधा साधा बेटा लैसन राजनीति वाली बहनी, पद नहीं पावर नहीं, जो विचार पवन भाई के है, जो समस्या किसान मन के है, तेकर खातिर बर उला राजनीति मा आयला पड़ी, पूरा किसान मन के विचार है। जब तक सरकार हमार मांगला पूरा नहीं करी, तब तक अनाज के हम एक दाना नहीं बेचन, हमार खून पसीना के कमाई में हमार पूरा अधिकार है। हाँ हाँ, एक दाना नहीं बेचन। काका, आप सबो किसान मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आज से मैं आप मन के साथ हूँ, अनाज के एक दाना नहीं बेचना है मल्ला। ठीक है पवन बेटा, अभी तो जाथन, फिर मुलाकात करवो। जय जोहार। जय जय जोहार। काकी चल दवाई लेके आबो, और संग में तहू चल कुछ खा पी लेबे, दिन भर के बैठे हस। चल चल आ तो बेटा ना। ठीक है माँ, आओ आप मन। पवन ते ठीक तो हस ना, मालूम मैं बहुत ज्यादा घबरा गए रहे हूँ। अरे पगली, मैं किसान के बेटा हूँ, और छोटे मोटे चोर तो हमारा लगभग करते, वैसे तय बता तय सकबे। तब बिहाव तो कर, सब सका जाही। सोच ले, खेती किसानी करे ला पड़ी। पवन, मैं अपन पूरा जिंदगी तोर नाव कर डा रही हूं। सच दे हाँ ना वे तो लिख दे हाँ ना वे तो मोर धड़कन हर सांस मां चाहे खबाले तेरे आसके नहीं छोड़ा तोर साथ ना। लिख दे हाँ ना वे तो मोर धड़कन हर सांस मां चाहे खबाले नहीं छोड़ो तोरे साथ ना। लिख दे हो ना वे तो हे हे Thank you.
संग रही हो संगी वो जैसे चंदा के चकोर मैं बन गए जिंदगी मोर लिख दे हो नावी तो लिख दे हो नावी तो दे हो नावे तो लागे है लगन जन्म हर जन्म रहना है साथ माँ सुन तोरी सजन कसम है कसम नहीं छूटे हाथ ना बगड़ी बगड़ी सगड़ी सगड़ा लिख दे हाँ नावे तोर लिख दे हाँ नावे तोर मोर धड़कन हर सांस माँ चाहे खवाले क्रिया मोला नहीं छोड़ो तोर साथ ला लिख दे हाँ नावे तोर मोर धड़कन यू सांस माँ चाहे खवाले क्रिया संगी नहीं छोड़ो तोर साथ ना लिख दे हाँ नावे तोर मोर धड़कन हर सांस माँ चाहे खवाले क्रिया मोला नहीं छोड़ो तोर साथ ला चाहे खवाले क्रिया मोला नहीं छोड़ो तोर साथ ना चाहे खवाले क्रिया मोला नहीं छोड़ो तोर साथ ला कलेक्टर साहब ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे आप कितना सही मानते हैं और साथ ही साथ किसानों ने फैसला किया है कि फसल नहीं बेचेंगे इसको कितना सही मानते हैं आप ये बिल्कुल सही है देखिए हर व्यापारी अपने सामान की कीमत तय करता है ये अधिकार किसान को भी होना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार को भी सोचना चाहिए सर एक सवाल और क्वेश्चन प्लीज तो किसानों का भारी समर्थन पवन को मिल रहा है तो आइए देखते हैं सरकार झुकती है या किसान कैमरामैन मनीषा के साथ मैं अरुण बागड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन जारी है पवन कुमार एक किसान हैं जिन्हें चारों तरफ से किसानों का समर्थन मिल रहा है किसान अपने अन्न का एक दाना भी बेचने को तैयार नहीं है जिससे कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में अन्न का संकट भी पैदा हो सकता है अब देखते हैं सरकार झुकती है या किसान अब बने रहिए राजचक्र न्यूज के साथ कलेक्टर साहब अभी तक आपने पवन पे एक्शन क्यों नहीं लिया मंत्री जी एक्शन का रिएक्शन तो आप देख ही रहे हैं ठीक है सारे किसान को अंदर करवा देते हैं तो खेत में हल क्या मंत्रिमंडल जोतेगा आप सभी किसानों को मेरे पास भेजिए मंत्री जी किसानों ने कहा है अब आपके पास 100 लोग नहीं आएंगे आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा क्या मंत्री जी कुछ ना कुछ किसानों के लिए करना पड़ेगा हाँ मंत्री जी मामला गंभीर होते जा रहा है मंत्री जी चिंता का विषय है मामला बढ़ता जा रहा है कुछ करना पड़ेगा हाँ मंत्री जी पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों का समर्थन है पवन के साथ मंत्री जी धान नहीं मिलने से समस्या बढ़ती जा रही है जनता में अभी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है तो क्या करूं चुप चाप किसानों के सामने मंत्री जी सरकार बचानी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कुछ कीजिए में से पवन कौन है मैं हूँ सर पवन पवन तुमने किसानों को भड़का के राज्य में अन्य संकट पैदा करके अच्छा लग रहा है माफी देहु मंत्री जी मोर बेटा कोई भड़कात वड़कात नहीं है बल्कि जे किसान संकट में है ये उनकर साथ में खड़े हैं और रही बात किसान मन के अन्न के तो किसान ला पूरा हक है वो अपन धान ला बेचे
या ना बेचे, ये बात के अधिकार ओकर तीर होना चाहिए। आखिर आप लोगों की मांगे क्या है? पहली बात, किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, किसानों के उपजाए हुए अनाज पर उचित मूल्य निर्धारण होना चाहिए। तीसरी बात, किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी बात, किसानों के स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात, किसानों को कम ब्याज दर में लोन उपलब्ध होना चाहिए। मंत्री जी, आज आप लोग करोड़ों रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं और वो अपना पैसा लेकर विदेश चले जाते हैं और हमारे गरीब किसानों को 1,00,000 रुपए लोन के लिए भटकना पड़ता है। तो किसानों के लिए लोन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों के लिए महंगाई कम होनी चाहिए। मंत्री जी, ब्लडी फार्मर, व्हाट नॉनसेंस दिस। कंट्रोल योर लैंग्वेज सर, इट इज नॉट नेसेसरी। आई एम फार्मर, सो आई एम इलिटरेट। अरे मैं किसान जरूर हूँ लेकिन अनपढ़ नहीं हूँ। और रही बात, आप लोग जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ी हूँ इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा पर मुझे फक्र है। मंत्री जी, किसान मन तरफ ध्यान नहीं दू तो किसान के बेटा मन कैसे किसानी करे। और बढ़त महंगाई ला देखत हुए किसान मन के अन्न के कीमत दुगना होना चाहिए। मंत्री जी अब मान जाइए, नहीं तो पिज्जा बर्गर में काम चलाना पड़ेगा जिंदगी भर। ए पवन, खुद ला कानून समझत हस का? आप चुप रहिए सरपंच जी, अभी हम बात कर रहे हैं। आप लोगों की मांग को हम कैबिनेट में रखेंगे। जय जोहार पवन भैया। जिंदाबाद पवन भैया। जिंदाबाद पवन भैया। जिंदाबाद। तो पवन जी, सरकार ने आपकी सभी मांगों पर सहमति जताई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसान और जवान देश के आधार होते हैं और मैं मरते दम तक किसानों की सेवा करूंगा। और रही बात मंत्री जी की सहमति की, तो हम सभी किसानों की जीत है और आगे मैं चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो बड़ी खबर है, किसान का बेटा पवन जो है अब चुनाव लड़ेंगे। अरे पापई के धान, महानदी के पुहार। पवन, का बात है पवन, अब तो तै नेता बनने वाला हस। अरे प्रिया, नेता बनो या अभिनेता, किसानी तो मोला करना छे ना। अच्छा, और ये डंडा दिखा के तो डरा थस का मोला। एला डंडा नहीं कहे प्रिया। का कही थे? अरे जैसे दिया और बाती, जैसे बुढ़ापा के साथी, अरे जैसे बाप के नाती, वैसे हम छत्तीसगढ़िया किसान मन के लाठी। वैसे वोट कौन ला दे देते हैं? मैं ना मैं सोचूं। हाँ, दाऊ के टूरी है, दाऊ चला देवे ना। तोला ना दाऊला, मोर वोट जाही मोर किसान ला। अच्छा हरिया, तोर जमानत होगे। दाऊ जी मोर जमानत कराए है ना? नहीं, दाऊ हा जमानत नहीं करा है, पवन हा केसला वापस ले ले है। पवन? विक्रम दो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो, बड़े बड़े बात करे ले पेट नहीं भरे। तुम्हार गांव के आसपास के गांव में हमार जैसे कोनो दाऊ नहीं है जो तुम्हार सुख दुख में साथ देवे। और दारू मुर्गा पैसा सब चीज के व्यवस्था करी तो जिंदगी में सब चीज ला छोड़ो और टेंशन ला छोड़ो और मजा करो। आपने सही कहा था दाऊ, तान के पी और जी भर के जी। तुम्हें ला दारू कौन देते? दाऊ आप। तुम्हें ला मुर्गा कौन देते? दाऊ आप। तुम्हार सुख दुख में साथ कौन देते? दाऊ आप। तो वोट कौन ला दूँ? दाऊ आप ला। राम राम दाऊ जी। देख कैसे आस रे पवन के चमचा। दाऊ जहाँ जहाँ दारू वहाँ वहाँ समारू और कुकरी और दारू के खुशबू मोर खींचत ले जी दाऊ। हाँ तो अब सुनो, तुमन तुमन आस पास के गांव वाला मल्ला सकेलो और तुमन ला जो चाहिए, बकरा दारू मुर्गा कपड़ा लत्ता पैसा सब वो चीज के व्यवस्था हो जाए। पर हाँ, एक वोट भी ये गांव ले पवन ला नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मिली दाऊ जी। समझ गए? और सुन रहे मास्टर, ते जाओ गांव वाला मल्ला समझा और ज्यादा से ज्यादा जोड़, थोड़ा 12 महीना दारू पिया हूँ। ओ पवन है पियाई का? ठीक कहा था दाऊ, वो साले कंजूस का पियाई और बकरा चुरे का दाऊ। और ते सुन, ये मल्ला कोनो चीज के कमी नहीं होना चाहिए, एक बार मन के सारा व्यवस्था लाते देख। जी दाऊ। हम्म, तो चलो
तुमन अपन अपन हिस्सा ले लो। विक्रम दाऊ जिंदाबाद, विक्रम दाऊ जिंदाबाद, विक्रम दाऊ जिंदाबाद, विक्रम दाऊ जिंदाबाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दीदी अपन आशीर्वाद बनाए रखो। हाँ, आप ही माला दे दो बेटा। उत्ती बार कहाँ देखा था? अरे तोला तो देखा रहे हो। वैसे एक बात बता, ते वोट काला देबे? हमार उम्र नहीं हुई। तोरा 18 साल नहीं हुए? 3 दिन बचे। मतलब मैं सरकार के नियम के विरुद्ध जाता हूँ? ले चल, अवैया चुनाव तोरी उम्र हो जाए। चल पागल। अच्छा सुन, मैं जाता हूँ, पवन भैया के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मोर पर है, ठीक है? अरे सुन, तेरे पापा भी तो चुनाव में खड़े, ते ओकर साइड काबर नहीं हस? मैं सच्चाई के साइड हूँ और पवन भैया एक सच्चा इंसान है जे किसान के हक के लिए लड़ते। तेकर सिटी पवन भैया जीता नहीं तो बोल पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। राइट, विक्रम दाऊ पवन भैया, विक्रम दाऊ पवन दाऊ, विक्रम दाऊ विक्रम दाऊ जीतबे भाई, आशीर्वाद है। हाँ दीदी, हल छाप में मुहर लगा के मोला भारी से भारी मतों से विजयी बनाओ। बाकी चिंता मत करो बे। भैया हो, मैं गरीब के लेकर हूँ, मोर पास दे पर कुछ नहीं है, लेकिन आप मन से मैं जरूर लूँ आप मन के आशीर्वाद। और आप मन के आशीर्वाद से अगर मैं जीत गया तो किसान मन के सेवा करना ही मोर जीवन के उद्देश्य रही। जय जोहार, जय जम्मू सरवारी मल्ला। मैंने दाल समारोह में कैसे बारह महीना तुम लल्ला दारू मुर्गा यही दिन भर खवाए हो, और इज्जत के सवाल है। तुम्हार मन के जान जाई तो चल जाई, और मान नहीं जाना चाहिए, समझे हो? ए, साले खा खा के हाथी आसन हो गया। कल चुनाव में कोनो कमी नहीं होना चाहिए, अगर हो ही तो सब लोग जिंदा कर दूं। बड़ लंबा लाइन है यार। मशाल छाप में वोट दूहू, मशाल छाप में वोट देवे दीदी। हरिया सही समय में आए हस, देख लेबे। राम राम दाऊ, आपका देख लेबे। हमन तो छोटी जात के हरन, ता दोस्ती भी छोटे जात ले हुई। हमार बोर्ड ता पवन ला जाही। आओ एक बात सुन दाऊ, ते बिन पेंदी के लोटा हस। आओ ऐसे मनखे मनला छत्तीसगढ़ मा दोगला कहते दोगला। चल दाऊ जी आइए, साइन करिए दाऊ जी, लाइन सीधा करो। पवन भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। साझा विधानसभा से विक्रम दाऊ पहले राउंड के मतगणना के अनुसार 5000 मतों से आगे चल रहे हैं।
विक्रम दाव जिंदाबाद, विक्रम दाव जिंदाबाद, विक्रम दाव जिंदाबाद। दूसरे राउंड में विक्रम दाव 8,000 मतों से आगे चल रहे हैं। विक्रम दाव जिंदाबाद। तीसरे राउंड में विक्रम दाव 10,000 मतों से आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड में साझा विधानसभा के पवन कुमार 2,000 मतों से आगे चल रहे हैं। पवन भैया, पवन भैया, पवन भैया। आठवें राउंड में पवन कुमार 8,000 मतों से आगे चल रहे हैं। पवन भैया अंतिम राउंड में दोनों प्रत्याशियों को बराबर बराबर मत प्राप्त हुआ है। अरे खेत जो तैयार अगर नेता बन जाही तो हमन का डमरू बजाबो। देखिए आप दोनों पक्षों को समान वोट प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के अनुसार रिकाउंटिंग का प्रावधान है। इस पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 घंटे लग सकता है। कृपया शांति बना के रखेंगे और इंतजार करेंगे। जी ठीक है, ठीक है नमा। रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके अनुसार पवन कुमार 2,000 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। आप सभी नवनिर्वाचित विधायक मल्ला, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमन यहाँ विधायक दल के नेता चुने बर उपस्थित हुए हन। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप मन की राय का है। मेरा समर्थन पवन जी के साथ है, क्योंकि जनता का प्यार उनके साथ है। सबो जनता जनार्दन के आशीर्वाद पवन जी ला मिले है और काबर नहीं मिली। किसान बेटा है, जनता की पीड़ा ला समझते। मोर राय ले पवन जी ला विधायक दल के नेता चुन लिया जाना चाहिए, फिर देखो छत्तीसगढ़ की जनता में खुशहाली आ जाएगी। आप बिल्कुल सही कहा थो। पवन जी लगन से काम करी, विकास के नया इतिहास गढ़ी। मोर समर्थन भी पवन जी के साथ है। मेरा भी समर्थन पवन जी के साथ है। मेरा भी समर्थन पवन जी के साथ है। मेरा भी समर्थन पवन जी के साथ में है। मेरा भी समर्थन पवन जी के साथ है। मेरा भी समर्थन पवन जी के साथ है। मेरा भी समर्थन पवन भाई जी को है। मेरा भी समर्थन पवन जी को है। हम सबके विचार मिले थे तब विधायक दल के नेता पवन जी चुने जाए। भैया हो, दीदी हो, मैं गरीब किसान के लड़का हूँ और अतिक बड़े मुख्यमंत्री पद के जवाबदारी ला मैं कैसे संभाल सकता हूँ। पवन जी, ये जिम्मेदारी आप मल्ला लेना ही पड़ी। आपको सभी की सहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आइए पवन जी। धन्यवाद, धन्यवाद, मुबारक हो, बधाई हो। सबले पहली मोर छत्तीसगढ़ के जनता मल्ला और सब किसान भाई मल्ला मैं वंदन करता हूँ और आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज ये गरीब किसान के लड़का ला अतेक बड़े पद में पहुँचाए हो। लेकिन मैं आप सबला विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोर जीवन के अंतिम सांस तक मैं किसान भाई मन के और आप जनता के दुख पीरा ला अपन दुख पीरा समझूँ और अंतिम क्षण तक छत्तीसगढ़ महतारी के मैं सेवा करूँ। आज सभी विधायकों ने सर्वसहमति से पवन कुमार को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है। मैं अतेक बड़े पद में जाने वाला हूँ, लेकिन आम जनता जनार्दन मन के प्यार और आप मन के आशीर्वाद है कि आज मैं पद के लिए तैयार हो चुके हूँ। जल्दी ही पवन कुमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब देखना ये है कि जिस किसानों की लड़ाई लड़कर पवन कुमार यहाँ तक पहुँचे हैं वो किसानों के लिए क्या करते हैं।
किसान मन के समस्या के समाधान करना मोर जीवन के पहली प्राथमिकता रही। आप बने रहिए राज चक्र न्यूज के साथ। चल तोला स्कूल छोड़ के आऊं। चल गरीब आदमी हन बेटी, कहाँ ला पाओ उतकन पैसा। ते मोर रानी बेटी है इसना, चल जल्दी। मैं नहीं जामा, मैं बोलो ना मोर बड़े स्कूल जाना है। हमन गरीब हन बेटी, हमन गरीब हन ना, स्कूल के ओते कन फीस नहीं पटा सकन बेटी। ते मोर रानी बेटी है इसना, चल छोड़ दूँ। चल मैं नहीं जामा। बेटा के पढ़े लेना रोजगार बनते, और बेटी के पढ़े ले घर संसार बनते। ते चिंता झन कर बेटा, अब ये तुमरे स्कूल लाना बड़का अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाबो, और तुमन फ्री में पढ़ू यहाँ, और अच्छा सराटेदार इंग्लिश बोलवे बेटा, ठीक है। हाँ काका। ठीक है दीदी। देखे माँ, हमार काका जिंदा है। हाँ बेटा। जय जोहार संगवारी हो, हमर बीच में उपस्थित हमर छत्तीसगढ़ी किसान के लइका हमर छत्तीसगढ़ में नेता बन के आईस, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा विकास के लिए तत्पर है हमर पवन जी, हाँ आप मन के बीच में उपस्थित होइस, आप मन जोरदार ताली से स्वागत करो, और आगे हमन सुनथन हमर पवन जी के जुबानी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सबले पहली मोर छत्तीसगढ़ महतारी के जम्मो संगवारी मल्ला मोर ढल ले जय जोहार। किसान भाई हो, मैं पवन कुमार एक गरीब किसान के बेटा, आज राज्य के अति बड़ मोला मुखिया बना के बैठा हो। मोरो फर्ज बंद है कि मैं अपन किसान भाई मन के लिए कुछ करूं। आज ये सब कुछ ला देखते हुए हमार कैबिनेट के बैठक में हमार सरकार के तरफ से ये फैसला ले गए हैं। आज के बाद जम्मो किसान मन के कर्जा माफ करे जाही, बिजली बिल हाफ करे जाही, हमार बेरोजगार भाई मन ला बेरोजगारी भत्ता दे जाही, और जम्मो किसान मन के लिए धान के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाही। अब प्रति एकड़ धान के 20 क्विंटल खरीदी करे जाही। एक अलावा हमारे राज्य के छोटे छोटे गरीब बच्चा मन के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाही, ताकि गरीब के बच्चा मन भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सके, वो भी फ्री में, और हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मो सियान मन पर निःशुल्क दवा के व्यवस्था करे जाही, और निःशुल्क इलाज के व्यवस्था करे जाही। छत्तीसगढ़ के जम्मो सियान मन ला मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाही। अरे मास्टर ते, अरे पवन भैया, तय तो नेता बन गए आज छत्तीसगढ़ के, तय काका बन गए। का बात है मास्टर, आज बहुत स्मार्ट लगा था, अब बहुत सुधर गए पहले से। काला बताऊं भैया, शराब में मैं बहुत बर्बाद हो गया, मोर घर परिवार घलोक छूट जा रही थी भैया। माँ कसम, मैं आज के बाद कभू दारू हाथ नहीं लगाऊं भैया, कान पकड़ के चेत गया। शाबाश मास्टर, शाबाश। वैसे काकी आवा थे। ऐसे का काहे की चिंता काका, जिंदा है। छत्तीसगढ़िया सरकार हमर बढ़िया, ए संगी काहे के तोला चिंता है, ए संगी काहे के तोला चिंता है। कका जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रे कका जिंदा है, कका जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रे। कैसे सेठ जी, क्या कीमत है ये खातू की? 1600 रुपए। वाह, अभी भी इतना महंगा? लेना है तो ले, नहीं तो निकाल। सही सही बोलना सेठ जी, सस्ता में देना है दे, नहीं तो अपन दुकान के शटर लट डाउन कर, समझे? अब गोबर के बन ही खाद, और किसान के बन ही बात, काबर की हमार काका भी जिंदा है। जय राम जी। दाई दादा के जी माया है, माया पीड़ित के छैया है, चिंता नहीं है जिन गाने के, हमर काका के सियानी में।
आए हैं जिन गानी के हमर काका के सियानी में। साहब छोड़ दो ना, मोर नाना लेकर साहब ले छोड़ दे। खर्चा लगी। खर्चा कक्का? 10,000। 10,000 ठीक है साहब। कौन ला कॉल करा था? कक्का ला साहब। कक्का? कौन कक्का? हमार सीएम साहब, वही तो हमारे एटीएम है। लेना बात कर लेना। सीएम? हाँ। नहीं लगे मंगलू ते जा, पैसा ले लेना साहब, मिल जाए बात कर लेना साहब। नहीं लगे मोर बाप, नहीं लगे। अब पैसा मिल जाए साहब, बात कर लेना साहब। पैसा मिल जाए साहब, बात कर लेना। काहे के चिंता जब कका है जिंदा। चारों मुड़ा हरियाली है, घर घर माँ खुशहाली है, खेती किसानी हाँ झूम लागे, मन कहीं थे संगी मैं घूम आते। हाली है खेती किसानी हाँ झूम लागे, मन कहीं थे संगी मैं घूम आते। नंदू, ए नंदू। जी साहब। 2 साल हो गए तोला कर्जा लिए, पटाबे कब? साहब ए साल फसल बने नहीं हुए, ऊपर से मोर लड़का के तबीयत घलो खराब है। ये 2,000 रुपया रख लो साहब, बाकी के पैसा बाद में दे दूँ। ते चिंता जान कर, तुर कर्जा हम माफ हो गए। कर्जा माफ हो गए? ये जो सरकार आ है ना, ये सबो किसान मन के कर्जा ला माफ कर दे है। मोला तो भरोसा नहीं होते साहब, मैं कहूँ सपना तो नहीं देखत हूँ साहब। नंदू साहब ठीक कहा थे, जिन लचुन के हमन सरकार में भेजे है ना, वो किसान के बेटा है, सब किसान के कर्जा माफ कर दे है। कतका सेवा के सुघर काम करत है, काहे के चिंता है, कका जिंदा है। जिंदा है कका, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रे कका, जिंदा है कका, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रे कका, जिंदा है। संगी जहुरिया छत्तीसगढ़िया सरकार हमर बढ़िया। ए संगी काहे के तोला चिंता है, ए संगी काहे के तोला चिंता है। कका जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है रे कका, जिंदा है। संगी जहुरिया छत्तीसगढ़िया सरकार हमर बढ़िया। ए संगी काहे के तोला चिंता है, ए संगी काहे के तोला चिंता है। कका जिंदा है, जिंदा